अंबेडकर भवन सेक्टर 16 करनाल में अपना भारत मोर्चा के ऐलान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि अशोक तंवर द्वारा आज दिल्ली में अपना भारत मोर्चा का ऐलान किया गया है, जिसके तहत करनाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रेखा गुर्जर सिरसी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान रेखा गुर्जर सिरसी ने कहा कि आज लगातार राजनीति का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, नेता राजनीति को एक बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज किसान मजदूर महिला का लगातार शोषण हो रहा है, मौजूदा सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आज लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो लोगों के अधिकार की रक्षा कर सके। यहां हम आपको बता दें कि अशोक तंवर द्वारा अपना भारत मोर्चा का गठन किया गया है, जिसके चलते इस मोर्चे के तहत पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। करनाल में रेखा सुशील गुर्जर के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि डॉक्टर अशोक तंवर पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था और राजनीति से लगभग दूर होते दिखाई दे रहे थे, परंतु अब उन्होंने नए मोर्चे का गठन किया है जो पहले तो सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाएगा और बाद में इसको राजनीति का रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर अशोक तंवर के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम का प्रसारण भी सेक्टर 16 अंबेडकर भवन में उपस्थित लोगों को दिखाया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम आज? आज जनता के लिए ही, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो ये आज मोर्चा का प्रोग्राम है, एक नया संगठन तैयार किया गया है। सबसे पहले तो मैं इसकी बधाई डॉक्टर अशोक तंवर जी से देना चाहती हूँ, क्योंकि आज इसकी ज़रूरत है। आज जिस तरह की राजनीति को बिजनेस के बना लिया गया है, तो आज नए विकल्प की जरूरत पड़ी है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो पुरानी सरकारें हैं कहीं ना कहीं उन्हें जनता को ठगने का काम किया है, तो ऐसे में हम चाहते बदलाव की जरूरत है। और ये जो संगठन नया तैयार हुआ है, तो इसमें बदलाव ज़रूर होगा। और जिस तरह आज की राजनीति को बिजनेस के तौर पर बनाया गया, ले लिया गया है, तो हम चाहते हैं कि इस पर जो ये संगठन तैयार किया गया, हमारे ये युवा साथी हैं सभी हैं, तो इस पर नया कुछ अच्छा ही करने का करेंगे। और जिस तरह बीजेपी सरकार ने ये जो किसानों सड़कों पर बैठे हैं, इनको जनता ने बनाकर, सरकार को जनता ने बनाया, और आज सरकार किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है और किसान अपनी लड़ाई सड़कों पर बैठे लड़ रहे हैं, दिल्ली में बैठे लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये संगठन उस पर भी काम करेगा और भाईचारे को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर भी काम करेंगे। तो हमारी यही रणनीति रहेगी कि हम एकजुट होकर इस पर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, समाज के प्रति काम करेंगे। तो ऐसी मेरी ये कामना है। तो राजनीतिक मोर्चा है ये? अभी ये राजनीतिक मोर्चा नहीं है, ये बाद की बात है। किन किन लोगों ने भाग लिया? इसमें बहुत से साथी हैं सभी के, देखो मैं अभी नाम नहीं। तो ये अशोक तंवर जी के निर्देश पर हुआ? निर्देश पर चल रहा था ये, अशोक तंवर जी के निर्देश पर है और हम सभी इस पर काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार से पब्लिक इतनी दुखी होगी कि कोई भी सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। ये जिस जनता ने इनको बनाया, एक भी मंत्री MLA बन बन के कोई भी आगे आने का काम नहीं कर रहा। इस भोली भाली जनता पता वोट ले लिया, तो इनका फर्ज नहीं बनता कि ये जनता की सुनवाई करे? कहाँ जाएगी पब्लिक? क्या पब्लिक के वोट देने के लिए रह गया? तो हम चाहते हैं बीजेपी सरकार से इतना तंग होगी शहरी पब्लिक, तो इस पर ये नया विकल्प बढ़ चढ़ कर काम करेगा और जनता के प्रति काम करेगा और जनता के लिए ही ये मोर्चा तैयार हुआ है। कांग्रेस के बारे में भी कुछ कहेंगे? नहीं, मैं अभी कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमने देखा पार्टी में सब तरह के लोग हों, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते। लेकिन हमने जो ये संगठन तैयार किया है, हम इसी के बारे में काम करेंगे। और जो अत्याचार महिलाओं पर, छोटी छोटी बच्चियों पर रेप हो रहा है, उस पर हमारा संगठन काम करेगा। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं इस मीडियम के माध्यम से कि जो इस भोली भाली जनता पता है आज वोट लेकर और आज इसे रुलाने का काम करा, तो आने वाले टाइम में जनता सारा हिसाब ले लेगी। और इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।